नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज है तारीख 30 जनवरी और इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, रिलैक्सो, आईडीएफसी फर्स्ट, अंबर एंटरप्राइज और श्री सीमेंट जैसे कुछ कंपनीज के Q3 रिजल्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे डेली मार्केट अपडेट्स पाने के लिए आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर रखें ताकि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले दिखाई दे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में तो यहाँ पे बैंक का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसमें आप इसके इंटरेस्ट अर्निंग को यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट रहता हुआ देख सकते हैं। पिछले साल ये हमें 21,622 करोड़ पे देखने को मिले थे, जबकि इस साल यहाँ पे कोविड के चलते हम इसे दिसंबर 2020 के क्वार्टर में अराउंड 22,213 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल इनकम में थोड़ी सी अपसाइड को देखा जा सकता है। पिछले साल ये 38,370 करोड़ पे हमें देखने को मिला था, जो कि इस साल हमें थोड़े से ग्रोथ के साथ यहाँ पे 40,454 करोड़ में यहाँ पे देखने को मिला है। तो बोथ इसमें सिक्वेंशियली और ईयरली बेसिस पे एक ग्रोथ को देखा जा सकता है, जिसके बाद इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप एक स्टेडी ग्रोथ को यहाँ पे देख पाएंगे। पिछले साल दिसंबर के क्वार्टर में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2019 के बारे में, इसे 8,896.72 करोड़ पे देखा जा सकता है। लेकिन इसे Q2 FY21 यानी के सितंबर 2020 के क्वार्टर में 9,900 करोड़ तक यहाँ पे ग्रोथ हुआ देखा जा सकता है और बाद में हम इसे दिसंबर 2020 के क्वार्टर में अराउंड 10,258 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटल प्रोविजनिंग के बारे में तो यहाँ पे इस बार जो बैंक का प्रोविजनिंग है उसे अराउंड 2700 करोड़ पे देखा जा सकता है, जो कि पिछले साल हमें कोविड से पहले 2131 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिले थे। लेकिन पिछले क्वार्टर में यानी Q2 के दौरान इसे 3000 करोड़ के ऊपर देखा जा सकता है। तो इसमें कोई भी अगर गिरावट देखी जाती है तो आगे बैंक के ऊपर यहाँ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट इसके वजह से हमें दिखाई दे सकता है। इन सब के बाद अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बेसिस पे तो यहाँ पे बैंक का इस बार का जो नेट प्रॉफिट है उसे 5498 करोड़ पे देखा जा सकता है, जिसे पिछले साल यहाँ पे 4670 करोड़ पे यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। तो इसमें अराउंड 14% का एक जंप हम देख सकते हैं। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट एनपीएस के ऊपर तो यहाँ पे आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट में आप देख पाएंगे बैंक का जो टोटल एनपीए है और अगर हम इसे ग्रॉस एनपीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो यहाँ पे इसे इस बार 4.38% पे देखा जा सकता है, जबकि नेट एनपीएस को हम यहाँ पे 0.63% पे यहाँ पे करंटली देख पा रहे हैं। यहाँ पे बैंक का जो टोटल रिटर्न ऑन एसेट है उसमें भी एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट को यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि इस बार हमें दिसंबर के क्वार्टर में अराउंड 1.70% पे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसे देखते हुए यहाँ पे स्टॉक में ये जो रैली है वो फुली प्राइस्ड इन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अगर इसे हम टेक्निकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो यहाँ पे आपको 560 से लेके यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए इसमें कोई फ्रेश एंट्री आप लेना अवॉइड करें, क्योंकि February 1st का जो दिन है वो बजट डे होने की वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस स्टॉक में आपको एक सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ पे कुछ देर तक यहाँ पे अपना वेट एंड वॉच करें या फिर आप कुछ नीचे के लेवल्स पे जैसे कि 520 के करीब इसमें अपना लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। और जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म है और उन्होंने पहले से इसमें अपना होल्डिंग ले रखा है उन लोगों के लिए यहाँ पे अभी के लिए होल्ड करना यहाँ पे सही रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर जो है टेक महिंद्रा का, तो यहाँ पे इसके क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख पाएंगे इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट में हम देख सकते हैं बैंक का जो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें एक फ्लैट ट्रेंड को देखा जा सकता है, जो कि पिछले साल हमें 96,546 मिलियन पे देखने को मिले थे और उसे इस बार यहाँ पे 96,471 मिलियन पे हम इस बार यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे हमें थोड़ा सा ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को तो यहाँ भी आपको अराउंड 2000 मिलियन का एक ग्रोथ यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल रिजर्व के ऊपर तो यहाँ पे इसमें भी आपको एक ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखने को मिल जाता है, जो कि पिछले साल हमें 215,808 मिलियन पे देखने को मिला था और इस साल यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टर एंड होने के बाद यहाँ पे अराउंड 232,447 मिलियन पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके वजह से यहाँ पे जो टोटल अर्निंग पर शेयर है उसमें क्वार्टरली बेसिस पे एक ग्रोथ को देखा जा सकता है और इवन आप ईयरली बेसिस पे भी इसमें एक स्टेडी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देख पाएंगे। और बाद में अगर हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम में यहाँ पे इस स्टॉक में एक काफी बड़ी रैली को देखा जा चुका है। तो अभी के लिए इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग का एक सही मौका है।
तो जिन लोगों के पास इसके स्टॉक्स है वो लोग अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस साल यानी 2021 में निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे निफ्टी आईटी को यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंटायर आईटी सेक्टर में आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अगले कुछ महीनों तक यहाँ पे कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप का यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा, और जो लोग यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग कुछ देर तक यहाँ पे और यहाँ पे वेट एंड वॉच जरूर करें, क्योंकि वहां पे आपको 900 के लेवल्स के करीब यहाँ पे एक सही एंट्री लेने का मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में जो है रिलैक्सो का स्टॉक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके Q3 रिजल्ट में हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ पे इसके टोटल इनकम में यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे। पिछले साल कंपनी का जो टोटल इनकम था वो दिसंबर के क्वार्टर में 602 करोड़ में देखा गया था, जो कि इस साल यानी FY21 दिसंबर के क्वार्टर में अराउंड 675.98 करोड़ में यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर यहाँ पे बात करें टोटल एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें भी एक स्टेडी ग्रोथ हमें पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल जाता है। जिसके बाद अगर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आपको अराउंड 80% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पिछले साल ये 54 करोड़ में हमें देखने को मिले थे, जबकि इस साल इसे 90 करोड़ के ऊपर यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आपको 900 के ऊपर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में इनिशिएट होता हुआ दिखाई देगा, और इवन अभी भी हम इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस के चलते यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आगे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास इसके स्टॉक्स ऑलरेडी है वो लोग इसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, और वो भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल प्रॉफिट बुकिंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे प्लान है वो लोग यहाँ पे कुछ देर तक यहाँ पे वेट एंड वॉच जरूर करें, क्योंकि बजट के बाद इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और आपको यहाँ पे 50 to 100 रुपए तक यहाँ पे फर्दर एक डाउन साइड यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे अराउंड 700 से लेके 720 के बीच यहाँ पे एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेने का यहाँ पे मौका आगे यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में जो है IDFC फर्स्ट बैंक, इसमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट हमें काफी शानदार यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट में देख पाएंगे कंपनी का जो टोटल इंटरेस्ट अर्निंग है यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें स्टेडी दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इसे कंपेयर किया जाए पिछले साल के मुकाबले तो यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी डाउन साइड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे टोटल इनकम हमें 4711 करोड़ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल हमें 4679 करोड़ में यहाँ पे देखने को मिला था। तो इसमें एक मार्जिनल ग्रोथ यहाँ पे देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करते हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे यानी Q2 के साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आपको अराउंड 20% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पिछले क्वार्टर में यानी Q2 के दौरान इसे 3969 करोड़ में देखा जा सकता है, तो उसे देखते हुए यहाँ पे एक शानदार नतीजा यहाँ पे इसके टोटल इनकम में यहाँ पे होता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके टोटल प्रोविजनिंग के ऊपर, तो यहाँ पे प्रोविजनिंग हमें इस बार 482 करोड़ में दिखाई देते हैं, जो कि पिछले साल हमें 2304 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड काफी अच्छी बात है, जिसके वजह से कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे काफी तेजी से हमें ग्रोथ हुआ दिखाई देता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट स्टेडी यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन Q2 के साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 90% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटल नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस बार कंपनी का टोटल प्रॉफिट हमें 129 करोड़ में यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि पिछले साल हमें 1638 करोड़ का एक लॉस के तौर पे यहाँ पे देखने को मिला था। और पिछले क्वार्टर के साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे अराउंड 28% का एक ग्रोथ को देखा जा सकता है, जिसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में भी आपको एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात यहाँ पे आप मान सकते हैं। इस बार इसका जो नेट एनपीए है उसे 0.33% पे देखा जा सकता है, जबकि इसका ग्रॉस एनपीए को यहाँ पे 1.62% से कम होते हुए हम इसे इस बार 1.33% पे यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके वजह से स्टॉक में ये जो रैली है ये फुली प्राइस्ड इन होता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर इसको देखा जाए इसके टेक्निकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आपको 50 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक में एक फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से आप अवॉइड करें, लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे
ब्लू चिप बैंक्स जैसे HDFC, कोटक और ICICI जैसे बैंक को यहाँ पे आगे प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन आपको IDFC फर्स्ट जैसे कुछ बैंक को अभी कुछ देर तक यहाँ पे अवॉइड करना है। अभी के लिए यहाँ पे आपको कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और इस बात को आप यहाँ पे जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इस बैंक में डिफॉल्ट होने के चांसेस दूसरे प्रीमियम बैंक के मुकाबले काफी ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में जो है अंबर एंटरप्राइजेस का, तो यहाँ पे Q3 रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हमें स्टैंड अलोन रिजल्ट के बाद यहाँ पे इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में हम देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल इनकम है उसे यहाँ पे देखा जा सकता है 773 करोड़ में, जो कि पिछले साल हमें दिसंबर के क्वार्टर में 790 करोड़ यहाँ पे देखने को मिले थे, लेकिन इसमें क्वार्टर टू के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्वार्टर टू में इसे 420 करोड़ पे देखा जा सकता है, जिसके बाद हम इसके टोटल प्रॉफिट को यहाँ पे इस बार 733 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं, और वो भी दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। और अगर इसे कंपेयर किया जाए Q2 के साथ तो इसमें आपको मोर देन 300 करोड़ का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसमें अगर हम देखते हैं EPS को, तो इस बार EPS आपको अराउंड 8 रुपी के बराबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि पिछले क्वार्टर में थोड़े से टैक्स पेमेंट के चलते हमें ऑलमोस्ट 0.52 रुपी पे यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि पिछले साल के साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए तो पिछले साल के मुकाबले इसमें आपको मोर देन 10% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन सब के बाद अगर हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे स्टॉक में एक काफी बड़ी रैली यहाँ पे देखने को हमें मिल चुका है, लेकिन अगर हम कंसीडर करते हैं PLI स्कीम को तो आगे भी आपको इस स्टॉक में एक स्टेडी ग्रोथ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी के लिए इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इसे यहाँ पे कंटिन्यू करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप 2550 के करीब अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टाइमली बेसिस पे यहाँ पे करना प्रीफर कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे 2400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है और FIIs कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट बुक करते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ट्रिगर हो जाए। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होता है तो आपको फिर से जो लेवल पे एक एंट्री लेने का मौका मिलेगा वो होगा 2000 का, और वो लेवल आपके लिए काफी ज्यादा प्रिफरेबल रहने वाला है। उस लेवल से आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को आगे के लिए होल्ड करना प्रीफर कर सकते हैं। और फाइनली अगर हम बात करते हैं श्री सीमेंट के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी का जो Q3 रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे काफी शानदार अल्ट्राटेक सीमेंट की तरह यहाँ पे दिखाई देता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस बार जो टोटल इनकम है वो 3649.38 करोड़ पे देखा जा सकता है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी Q2 के मुकाबले हमें ऑलमोस्ट 300 करोड़ यहाँ पे ज्यादा दिखाई देते हैं, और पिछले साल यानी अगर इसे दिसंबर 2019 के क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जाए तो इसमें अराउंड 430 करोड़ का एक जंप यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटल नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है इस बार 631 करोड़ का, तो इसमें आपको अराउंड 100% का एक अपसाइड पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसमें आप अराउंड 15% का एक जंप यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे देखते हुए यहाँ पे स्टॉक में जो रैली है वो फुली प्राइस्ड इन हो चुका है। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहें तो आपको अभी भी यहाँ पे एक स्टेडी इनकम स्टॉक से होता हुआ हमें दिखाई देता है, और इस बात को यहाँ पे हम इसके टेक्निकल चार्ट से यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है स्टॉक यहाँ पे 2021 में 25,000 के ऊपर अपना हाई यहाँ पे फॉर्म करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई देती है, तो अभी के लिए आप इस स्टॉक में कोई फ्रेश एंट्री लेने से यहाँ पे अवॉइड जरूर करें, और आपको यहाँ पे 20,000 के लेवल्स पे एक 22,000 के लेवल्स पे यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने का यहाँ पे मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ से एक करेक्शन आती है और स्टॉक और भी ज्यादा यहाँ पे करेक्ट होता है तो आपको जो सेकेंड लेवल है जिसमें आपको एक एंट्री यहाँ पे लेना है वो है 21,000 का लेवल। लेकिन अगर आप हमारी माने तो आपको इस स्टॉक के अलावा यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट में ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे श्री सीमेंट से ज्यादा यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपको मार्केट लीडर का साथ मिलेगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको लॉन्ग टर्म में अभी भी यहाँ पे एक मल्टीवेगर रिटर्न यहाँ पे जनरेट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं IRFC स्टॉक के बारे में, जो कि यहाँ पे हमें फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, तो स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल हमें दिखाई देता है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू किया है वो लोग अभी के लिए इस स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करना यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं। हो सके तो यहाँ पे 1 फरवरी को बजट डे के दिन इसमें थोड़ी सी और यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे और ये स्टॉक आपको
24.5 के लेवल के नीचे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिन लोगों के पास थोड़े से और पैसे बचे हैं वो लोग इसमें कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे रेलवे के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट न्यू प्रोजेक्ट के तौर पे होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं, और ये जो स्टॉक है वो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस का जो आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, ये करेंटली आउट हो चुका है और इसके बारे में हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे चैनल का जो लिंक है यूट्यूब चैनल में हमने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं है तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे हमने आपको इसके जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको यहाँ पे के फिनटेक के वेबसाइट को विजिट करना है और आपको इस लिंक पे जाके अपना जो आईपीओ स्टेटस है उसे आपको चेक करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस, और इसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने डीपी आईडी या फिर एप्लीकेशन नंबर या फिर अपने पैन नंबर के साथ इसे आप अपने स्टेटस यहाँ पे आगे चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं या फिर अपने लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म में एक मल्टीवैगर रिटर्न जनरेट कर सकें, तो आप हमारा जो चैनल का मेंबरशिप प्लान है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बार करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे टेलीग्राम प्रोफाइल लिंक में जाके हमारे मेंबरशिप प्लान को आप एक्टिवेट करवा सकते हैं, और वो लिंक है t.me/balramaharan। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।